प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम महेश पलावत है, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। ये है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो लो प्रेशर एरिया एंटर कर गया और ये साइक्लोन नहीं बना, ये बहुत अच्छी बात है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट के आसपास हमने देखा कि बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं। साउथ इंटीरियर कर्नाटका बेंगलुरु वगैरह में भी भारी बारिश हुई है। तमिलनाडु के एक दो इलाकों में, केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हुई हैं। इस समय जो बादलों की स्थिति आप देखिए कि ये जो लो प्रेशर एरिया अंदर आ गया है, अब ये कमजोर हो जाएगा, विदर्भ के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, फिर मध्य प्रदेश के ऊपर आएगा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास आकर के और कमजोर हो जाएगा। ये एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही ये आगे बढ़ेगा। और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ अंडमान सीमा बना हुआ है, वो भी लो प्रेशर एरिया बन सकता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं, आपको इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। तो अब जो वेदर एक्टिविटी होने वाली है, जैसे ये लो प्रेशर एरिया है, ये धीरे धीरे इस जगह आ गया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। और इस समय जो अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का मौसम शुष्क बना हुआ है, पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। अब जल्दी ही ये हवाएं बदल कर पूर्वी हो जाएंगी और जैसे ही मानसून विड्रॉ होता है तो क्या होता है, पश्चिमी हवाएं चलने लग जाती हैं, मौसम शुष्क हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है। लेकिन मानसून जाने के बाद भी कभी कभी अनसीजनल बेमौसम बारिश होती है जो इस समय आपको देखने को मिलेगी, और ये बारिश के कारण का जो कारण होते हैं वो इस तरह के होते हैं, यानी कोई लो प्रेशर एरिया आ रहा है या कोई और वेदर सिस्टम बन रहा है। तो इस समय ये जो लो प्रेशर एरिया है इसके कारण आप देखिए हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, और ये काली जो रेखा है यानी कि अरब, ये बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं इस तरह से पूरे पूर्वी मध्य और उत्तर भारत में नमी बढ़ाएंगी। और एक दूसरा वेदर सिस्टम बना है जो डीप ट्रफ जिसको कहते हैं, यानी कि निम्न दबाव की रेखा काफ़ी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर में बन जाती है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये ट्रफ है, और इसके भी इस तरह से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हवाएं घूमती हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। तो अरब सागर से नमी वाली हवाएँ ऊपर अपर एटमोसफियर में रहेंगी और लोअर एटमोसफियर में नमी वाली हवाएँ बंगाल की खाड़ी से आएंगी और इस जगह पर उत्तराखंड और उसके आसपास के इलाकों में ये मिलेंगी आपस में। तो आज रात से हो सकता है कि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश शुरू हो जाए और कल होते होते बारिश की गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों सहित उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। और 17 और 18 तारीख को धमाकेदार यानी कि मूसलाधार धुआंधार बारिश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में होगी। ये एक बार ऐसा हुआ था 2013 के जून में जब उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी, लेकिन उस तरह का ये सिचुएशन नहीं होने वाली है। लेकिन उस समय भी क्या हो रहा था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, हवाएं भी इधर से आ रही थी, अरब सागर से भी नमी आ रही थी, तो ये सारे वेदर सिस्टम मिलकर के इन्होंने इतनी ज़्यादा बारिश दी थी। और उस समय बदकिस्मती से जो झील थी उसके तटबंध टूट गए थे तो पानी नीचे आ गया था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार इस तरह की स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ ये एक तरह से अलर्ट वाली सिचुएशन है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को हम अलर्ट पर रखना चाहते हैं कि कल से लेकर के 19 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा उस जगह पर, यानी कि अगर आप वहाँ का प्लान कर रहे हैं तो उसको स्थगित कर दीजिए, 19 तारीख के बाद ही वहाँ जाने की आप प्लानिंग कीजिए। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में भी 17 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होंगी। और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ को बेहतरीन नहीं होगी लेकिन मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बहराइच, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हैवी होने की संभावना है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। अच्छी बारिश का मतलब है तेज बारिश। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बारिश के कारण लोगों को जो नुकसान हो रहा है, किसान भाइयों को, वो अच्छी बारिश नहीं है, लेकिन तेज बारिश होगी। अब हम बात करते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि उड़ीसा में बारिश हुई है और अब छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी अगले दो दिनों के दौरान। अब विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र सहित पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और कल हो सकती है कि बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो जाएं। पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां 17 और 18 तारीख को जारी रह सकती है। गुजरात के ज़्यादातर मौसम जो इलाके हैं शुष्क रहेंगे, पश्चिमी राजस्थान भी पूरी तरह शुष्क ही बना रहेगा और 19 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां पीछे आना शुरू हो जाएंगी। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में इस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम होंगी, एक दो तेज स्पेल हो सकते हैं,
लेकिन जब ये वेदर सिस्टम पीछे की तरफ आना शुरू होगा यानी कि बारिश यहां से हटना शुरू होगी तो 19-20 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ जाएगी। 20 और 21 तारीख को पूरे यानी कि बिहार के कुछ इलाकों से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत में तेलंगाना में इस बारिश का असर देखने को मिल रहा है इस वेदर सिस्टम का। कल भी बारिश हुई थी, आज और कल भी तेलंगाना के उत्तरी जिलों में बारिश की गतिविधियां होंगी, मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ या मराठवाड़ा के साथ साथ, और तटीय आंध्र प्रदेश में 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। केरल में जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है उसके प्रभाव से आज केरल, उससे सटे हुए तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ कोस्टल कर्नाटका में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कल होते होते बारिश कम हो जाएगी और 18 तारीख तक बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे और ज्यादा कम हो जाएंगी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स होने की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।